तो आज के इस वीडियो में हम एक डिफरेंस देखेंगे HTML और XHTML के बीच। HTML stands for Hypertext Markup Language and XHTML stands for Extensible Hypertext Markup Language। तो HTML डेवलप किया गया था टीम बर्नर्स-ली के द्वारा 1991 में, और वहीं XHTML 2000 में इंट्रोड्यूस किया गया था W3C ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। द HTML इज एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ SGML यानी कि स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, और वहीं जो XHTML है इसको हम एक कॉम्बिनेशन कह सकते हैं XML और HTML लैंग्वेज का। द HTML लैंग्वेज इज लेस एक्सपेंसिव एंड द XHTML इज मोर एक्सपेंसिव दैन HTML। अब HTML के अंदर हम मेनली .htm और HTML एक्सटेंशन का यूज़ करते हैं, और वहीं अगर XHTML की बात करें तो इसमें हम .htm और .html के साथ साथ और भी तीन एक्सटेंशंस का सपोर्ट देखने को मिलता है .xhtml, .xht, .xml। तो ये जो दो लैंग्वेजेस हैं HTML और XHTML, इसके अंदर हम एक या तो एक से ज़्यादा रूट एलिमेंट्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस देखने को मिलता है HTML में हमको जो रूट एलिमेंट है यानी कि एक रूट एलिमेंट या तो एक से ज़्यादा हम यूज़ कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, ऐसा कोई मैंडेटरी रूल नहीं है। लेकिन XHTML की बात करें तो इसमें हमको एटलीस्ट वन रूट एलिमेंट यूज़ करना ही पड़ता है। अब इन दोनों ही लैंग्वेजेस में हमको डॉक टाइप का यूज़ करना पड़ता है यानी कि डॉक टाइप टैग का। तो अगर हम HTML वर्जन 5 को यूज़ करें तो वहाँ पे हमको डॉक टाइप मैंडेटरी है, और इसके प्रीवियस वर्जन्स में ये इम्पॉर्टेंट नहीं था। लेकिन वहीं अगर XHTML की बात करें तो इसके अंदर हमको डॉक टाइप लिखना ही पड़ता है। अब HTML 5 में हमको ब्रैकेट के अंदर एक्सक्लेमेशन मार्क दे के डॉक टाइप स्पेस दे के HTML लिखना पड़ता है, और वहीं अगर XHTML की बात करें तो यहाँ पर आपको जो डॉक टाइप लिखना पड़ता है वो आपको स्क्रीन में विजिबल है, तो इसी को हम अपने XHTML कोड में यूज़ करते हैं। अब HTML और XHTML के अंदर कुछ बेसिक टैग्स होते हैं जो कि है HTML हेड टैग, बॉडी टैग, टाइटल टैग। अब इनमें से सपोज़ अगर हम हेड टैग या तो टाइटल टैग को नहीं भी लिखते अपने कोड में तब भी हमारा कोड रन हो जाता है, लेकिन वहीं अगर XHTML की बात करें तो इसमें हर एक टैग का यूज़ करना पड़ता है वरना आपको एरर दिखेगा। यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर के लिए जितने भी टैग्स नीडेड हैं वो सभी को आपको अपने कोड के अंदर यूज़ करने पड़ते हैं। अब ये जो HTML और XHTML है इन दोनों के अंदर हमको कुछ सिंगल टैग्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि हो गया br टैग, hr टैग, image टैग। तो इन सारे टैग्स के अंदर हमको अलग से कोई भी क्लोजिंग टैग देखने को नहीं मिलता, यानी कि जैसे हम पैराग्राफ टैग को यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर हम p लिखते हैं और फिर से हमको उसको क्लोज करने के लिए p/ देना पड़ता है, तो वो हो गया इसका क्लोजिंग। सिमिलरली अगर हम सेंटर टैग को यूज़ करें तो उसका भी क्लोजिंग होता है। तो इन दोनों टैग के अंदर जिस वाले एलिमेंट को हम सेंटर में अलाइन करना चाहते हैं उसको डालना पड़ता है, लेकिन ये जो टैग्स होते हैं br, hr, image, इनका कोई क्लोजिंग नहीं होता, तो इसको हम मेन टैग के अंदर ही स्लैश देके इसको क्लोज करते हैं। तो ये स्लैश हमको HTML के अंदर हम दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते, लेकिन वहीं अगर XHTML की बात करें तो इसके अंदर ये स्लैश देना मैंडेटरी है, अगर ये हम नहीं डालते हैं तो हमको एरर देखने को मिलता है। अब इन दोनों लैंग्वेजेस में हमको कुछ टैग्स देखने को मिलते हैं। अब इन टैग्स के अंदर हम कुछ एट्रीब्यूट्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि हो गया हाइट, विथ, इन सारे एट्रीब्यूट्स का यूज़ करके हम टैग्स के फंक्शनैलिटी को और भी एनहेंस कर सकते हैं। तो हम HTML के अंदर जब कोई एट्रीब्यूट को यूज़ करते हैं तो उसका जो वैल्यू होता है उसको हम डबल कोट के अंदर लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, यानी कि वैल्यू तो डालना ही पड़ता है। अब वैल्यू के पहले और लास्ट में हम जो डबल कोट यूज़ करते हैं वो कोड को हम यूज़ कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, लेकिन XHTML में हमको वो कोड डालना ही पड़ता है वरना एरर देखने को मिल सकता है। एट्रीब्यूट मिनिमाइजेशन इज फॉरबिडन। अब HTML के अंदर टेक्स्ट के कुछ एट्रीब्यूट्स ऐसे भी होते हैं जिनका वैल्यू इंपॉर्टेंट होता है, और कुछ एट्रीब्यूट्स ऐसे भी होते हैं जिनका वैल्यू हम डाल भी सकते हैं और नहीं भी डाल सकते। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन में इनपुट टैग दिख रहा होगा जिसके अंदर हमने पहले टाइप एट्रीब्यूट को यूज़ किया है, तो टाइप का वैल्यू आपको डालना इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद हमने नेम एट्रीब्यूट यूज़ किया है तो इसका भी वैल्यू हमको डालना यहाँ पे रिक्वायर्ड है, लेकिन उसके बाद हमने जो डिजिबल एट्रीब्यूट को यूज़ किया है इसका वैल्यू हमने नहीं दिया है। तो इस वाले एट्रीब्यूट को अगर हम टैग के अंदर यूज़ करते हैं तो ब्राउज़र ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि इसका मीनिंग क्या है, तो इसीलिए इसका वैल्यू को हम यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। लेकिन वहीं अगर XHTML की बात करें तो यहाँ पे जो टाइप और नेम एट्रीब्यूट के लिए रूल था वो सेम ही है, लेकिन डिजेबल एट्रीब्यूट जिसका वैल्यू हमने यहाँ पे HTML के लिए मेंशन नहीं किया है वो हमको XHTML के लिए मेंशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने इसका जो वैल्यू है वो भी डिजिबली दिया है।
HTML supports both lower case and upper case. तो HTML के अंदर हम लोअर केस और अपर केस दोनों का यूज़ करके टैग्स को और एट्रीब्यूट्स को लिख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे ये दो टैग दिख रहे होंगे, बॉडी और पैराग्राफ टैग। तो इसको हम स्मॉल में भी लिख सकते हैं और कैपिटल में भी लिख सकते हैं। ऐसे भी जितने भी टैग्स और एट्रीब्यूट्स हैं वो हम स्मॉल और कैपिटल दोनों केस में ही लिख सकते हैं, लेकिन XHTML में ओनली लोअर केस सपोर्टेड है। तो इसीलिए हम जितने भी टैग्स और एट्रीब्यूट्स का यूज़ करेंगे वो लोअर केस में ही करना पड़ेगा, वरना हमको एरर देखने को मिलेगा। तो ये थे कुछ डिफरेंसेस HTML और XHTML के बीच। तो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में।